बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इयाका नअबुदु वइयाका नस्तईन। मैं इस वक्त पाकिस्तान की सारी कौम से और ये पीडीएम की पार्टियां और ये फॉर्म 47 की हुकूमतों से और पाकिस्तान के तमाम इदारों से मुखातिब हूं। मेरे पाकिस्तानियों, आज ऐसा वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के अंदर पहले हमारी इज्जतों को पामाल किया गया, हमारी चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। हमने जर्फ के साथ जर्फ दिखाते हुए इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए उफ तक नहीं किया। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है, एक ऐसा वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के अंदर आप हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। आज हमारे दो कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50,000 कारकुन हमारे जख्मी हैं। हर 3 किलोमीटर पे पंजाब की एंट्री से शुरू हुए और हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, स्टन ग्रेनेड फेंकते रहे। ये पाकिस्तान हमारा है, ये पंजाब भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, पख्तूनख्वा भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, बल्तिस्तान भी हमारा है। मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूं, सलाम पेश करता हूं कि आप डटे हुए हैं अपनी आजादी के लिए। आज के दिन पिंडी डिवीजन की आवाम को और पख्तूनख्वा की आवाम को सलाम पेश करता हूं और साथ ये पैगाम दे रहा हूं कि आज कई पुलिस वाले आज हमारे हत्थे चढ़े हम पे जुल्म करने के बाद, और मैंने उनको रेस्क्यू किया क्योंकि मुझे और हमारे लोगों को उनकी फैमिली का ख्याल था, उनके बच्चों का, उनके घर वालों का ख्याल था। पंजाब पुलिस के वो नौजवानों, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो तो जरूर ये बयान देना कि तुम फंस गए थे और उसके बाद तुम्हें आम ने छोड़ दिया उस जुल्म के बावजूद जो तुम करते रहे। इसके बाद अब ये भी सुन लो सारे, अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। पख्तूनख्वा के लोगों सुन लो, तमाम कबाइल के लोग हमारी पार्टी में हैं, तमाम कबाइल अपने जिरगे करो और ये फैसला करो कि आज कोई और है तो कल तुम भी हो सकते हो। सब मुत्तहिद होकर इकट्ठे हो जाओ। इसके बाद हम अगर जाएंगे और कोई ये समझता है ये पंजाब हमारा है, और कोई ये समझता है पंजाब की आवाम हमारे साथ है, कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। ये मेरा वादी पैगाम है और ये धमकी नहीं है, ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं ऐलान कर रहा हूं यहां पर पाकिस्तान के तमाम इदारों को कि अगर आप अपनी कौम की आवाज नहीं सुन सकते, अपनी कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते तो साइड पे हो जाए। अवाम को फैसले अवाम में करने दें, सियासी फैसले सियासी पकड़ों को करने दें, बीच में ना आए और फिर देखें कि आगे क्या होता है। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। इस वक्त बमाली के बाद, चादर और चारदीवारी की बमाली के बाद अपना जर साबित कर दिया हमने, अब बस हो गई है। कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा, फिर देख लेंगे। अल्लाह ने एक जिंदगी दी है उसके हाथ में है, किसी कितनी लिखी है वो फैसला उसने कर रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया।